एक छोटा सा गांव था जिसमें गीता, सीता और लता नाम के तीन बहनें रहा करते थे। ये तीनों ही लड़कियां बचपन से अनाथ थी। इनके माता पिता किसी समस्या की वजह से भगवान को प्यारे हो गए थे। अब इन बच्चों का दुनिया में कोई नहीं था। इनके पास कुछ था तो वो सिर्फ उनके माता पिता का बचाया हुआ एक छोटा सा खेत और उनका वो छोटा सा घर। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता था। बड़ी बेटी गीता थी जो कि दोनों छोटे बहनों की जिम्मेदारी लेकर अपनी जिंदगी गुजारती थी। एक दिन की बात है कि सबसे छोटी बेटी जिसका नाम लता था, वो बहन गीता के पास आती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी सारे लोगों के माता पिता है ना उनके साथ, लेकिन हमारे माता पिता हमारे साथ क्यों नहीं है दीदी? हम भी तो छोटे बच्चे हैं ना, हमारा ख्याल रखने के लिए माता पिता की जरूरत हमें भी हो सकती है ना, तो हमारे माता पिता क्यों नहीं है? लता की कही ये बात सुनकर गीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मजबूर थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को अपने पास ले लेती है। अरे लता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई बात नहीं अगर माता पिता हमारे साथ नहीं है, मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम दोनों की पिता भी। आज के बाद तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगी। और हाँ, कल से तो मैं खेत का काम करने के लिए भी जाऊंगी और तब से हमें ना कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा तुम लोग चाहोगे हम वैसे ही जिएंगे, ठीक है? मैं हूँ ना तुम दोनों के साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह यह सारी बातें कहकर दोनों छोटी बहनों को अपने पास ले लेती है और फिर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो उनके खेत के पास चली जाती है। ऐसे ही दिन रात मेहनत करती थी और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती थी, जिससे दोनों छोटी बहनों की परवरिश किया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब दूसरे छोटे दो बहनें भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं और वो भी अपनी बड़ी बहन की सहायता करने के लिए खेत के यहाँ चले जाया करते थे। तीनों मिलकर बहुत सारा काम करते और वापस घर आकर अपने लिए कुछ बनाते और खाकर सो जाया करते थे। एक दिन की बात है कि रोजाना की तरह ही खेत का काम खत्म करके घर वापस आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पता नहीं भगवान को क्या पसंद था कि उस रात बहुत बड़ी बारिश होने लगती है। उस बारिश की वजह से उनका सारा का सारा खेत पानी में डूब जाता है और पूरी तरह से उसका नुकसान हो जाता है। मेहनत के साथ साथ उनके पैसे का भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिससे बेचारी गीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और चिंतित होकर कहती है, अब मैं क्या करूं? सारी मेहनत पानी में मिल गई। इतनी मेहनत करने के बाद कम से कम खाने के लिए हमें रोटी तो मिलती थी, लेकिन आज के बाद ये भी नहीं होगा। कितनी मेहनत की थी उस खेत के लिए, लेकिन सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? हमें तो आप ही हमेशा धैर्य देती हो ना, आप ही तो हमारी ताकत हो। अगर आप ही ऐसे परेशान हो जाएंगी तो हमें कौन संभालेगा? इस तरह उसकी बहन सीता उसको बहुत समझाती है। सीता की कही बात सुनकर गीता को थोड़ा सा धैर्य तो मिल गया था, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था जिससे वो आगे काम करे और अपना पेट भरे। ऐसे ही चार दिन गुजर गए थे। जाकर कोई दूसरा काम ढूंढे ये मौका भी उनके पास नहीं था, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार चार दिन तक बारिश हो रही थी, जिससे वो लोग बाहर भी नहीं जा पाते और ना ही कुछ पैसा कमा पाते। घर में ही बैठे रहे तीनों बहनें भूख के मारे अब पागल होने लगी। उनके पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे बहुत ही परेशान होने लगी। भूख को बर्दाश्त करना उनको और नहीं हो रहा था, जिससे मायूस होकर तीनों ही बहनें हार जाती है। सोच लेती है कि अब ऐसी जिंदगी जीने से भी मौत ही बेहतर होगी। इतना सोचकर तीनों मिलकर अपनी जान देने का फैसला कर लेते हैं और ये फैसला करने के बाद तीनों ही मिलकर एक नदी के पास चले जाते हैं और सोचते हैं कि उसमें छलांग लगा देंगे और फिर अपनी जान दे देंगे। दीदी, आज तक तुमने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन देखो ना, तुम्हारी मेहनत हमारे किसी काम नहीं आई। हमने सोचा था
कि माता पिता भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन तुम हमारे पास हो। शायद भगवान को हमारा ऐसे जिंदा रहना भी पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए शायद अब हमारे लिए ये मौत ही एक रास्ता है। परेशान मत हो दीदी, हम तुम्हारे साथ ऐसे भी खुश हैं, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो दीदी। हाँ बड़ी दीदी, सीता दीदी बिल्कुल ठीक कहती है, आपने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, माता पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। सच दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन ये अच्छाई किस काम की? कहने के लिए तो घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम दोनों का पूरा ख्याल रखूं। लेकिन देखो ना, आज मैं मरने के लिए आई हूँ और तुम दोनों को भी मारना चाहती हूँ। मेरी जैसी बहन भगवान किसी को ना दे, हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। ये सब कहकर तीनों मिलकर उस नदी के अंदर कूदने ही वाले थे कि इतने में नदी से एक देवी निकल आती है और उनसे कहती है, रुक जाओ, ये तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अपनी जान गवा बैठोगी? ऐसा करना तो बहुत बड़ा पाप होता है, भगवान इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। परेशानियां तो हर इंसान की जिंदगी में आती है और चली भी जाती है, ऐसे हार मानकर अपनी जान दे देना बहुत ही गलत होता है। और मैंने सुना है तुम लोगों ने किन किन मुश्किल हालात का सामना किया था, और अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं तो शायद भगवान मुझे भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों का दुख समझती हूँ और मैं तुम लोगों की सहायता करना चाहती हूँ। मैं तुम तीनों बहनों को एक वरदान दूंगी, और वो ये है कि तुम तीनों बहनों के बाल को मैं सोने के बना दूंगी। लेकिन याद रखना, ये सोने के बाल तुम्हें सिर्फ रात के समय में ही मिलेंगे, क्योंकि अगर सुबह के वक्त कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारे लिए परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए मैं तुमको सिर्फ रात का वरदान दूंगी। उन बालों का इस्तेमाल तुम्हें सिर्फ रातों में ही काट कर अपने पास रखना है, और सुबह उठकर उससे तुम लोगों को जितना भी फायदा होगा वो तुम लोग अपने लिए रख सकते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हें उन सारे लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो तुम्हारी तरह जरूरतमंद होंगे, और जो सहायता तो चाहते हैं लेकिन फिर भी किसी से मांग नहीं सकते, ऐसे लोगों की सहायता तुमको करनी है। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो ये वरदान बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, और तुम्हारे असली बाल भी टूट कर गिर जाएंगे। इतनी बात कहकर वो जल की देवी दोबारा से गायब हो जाती है, और तब से लेकर इन तीनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जैसा उन लोगों को उस जल देवी ने कहा था, वैसे ही रात के समय उनको जितनी जरूरत होती थी उतने बालों को काट लिया करते थे और उसको एक जगह पर रख लिया करते थे। जैसे ही सुबह होती तो उसका इस्तेमाल किया करते थे, और सुबह के वक्त उनके बाल रोज की तरह मामूली तरीके से ही रहते थे, जिससे गांव में भी किसी को कोई शक नहीं होता था। और तब से लेकर उन तीनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब उनकी जिंदगी में खुशियों के सिवा और कुछ नहीं था। ऐसे ही वो लोग हर उस आदमी की, हर उस इंसान की सहायता करते थे जो जरूरतमंद होता था।